गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। मेरा नाम है शशांक कश्यप, ठीक है। आज है 21 दिसंबर, हम पढ़ेंगे 20 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। केंद्र सरकार ने 20 से 26 दिसंबर को क्या किया? 20 से 26 दिसंबर को सुशासन सप्ताह घोषित कर दिया। सप्ताह घोषित किया या मनाया, ठीक है। इसकी जानकारी किसने दी? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने। लोक शिकायत विभाग ने इस चीज की जानकारी दी, ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या किया? इकोनॉमिक टाइम्स ने अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इन्होंने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। अपने अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? इन्होंने मोहित जैन को। इन्होंने अपने अध्यक्ष मोहित जैन को नियुक्त कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपना वो कर दिया, नियुक्त कर दिया। किस उसमें किया? इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी। सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उपाध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? के राजा प्रसाद रेड्डी, इनको इन्होंने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत और हर घर नल योजना के तहत 2012 में इनको 10,180 करोड़ का बजट दिया था, और 2021 में यह बजट 2,522 करोड़ रुपए का दिया है, जो कि 2012 में इससे 4 गुना था। फिर भी इनके यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है इनका, ठीक है। और अभी तक इस जल जीवन मिशन के तहत कितने 9,65,000 परिवारों को यह मशीन के तहत इस चीज को मिल पाया, मतलब पानी मिल पाया हो। कितने परिवारों को? 1 करोड़ परिवार में से, ठीक है। इतने लोगों को इस चीज का लाभ मिल पाया अभी तक। पता नहीं पैसा कहाँ जाता है जी, पैसे का ही नहीं पता इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, पूछती भी नहीं है, जवाब भी नहीं मांगती। उत्तराखंड के सीएम, यूके के सीएम क्या नाम है इनका? पुष्कर सिंह ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऋषभ पंत को अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, किसको? ऋषभ पंत को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस,
अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस एकता दिवस कितनी 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विश्व एकजुटता विश्व एकजुटता कोष स्थापना। ठीक है, विश्व एकता कोष स्थापना दिवस डीआरडीओ ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने नियंत्रण हवाई प्रणाली विकसित की। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? इन्हों कैट्स, नियंत्रित हवाई प्रणाली, कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम। कौन सा? कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया। ठीक है, इन लोगों ने उड़ान भी जिसमें कंट्रोल एयर सिस्टम, अब इसमें 500 किलो के पैरासिटिक डिलीवरी के लिए किया गया। कितने? 500 किलो तक का डीआरडीओ ने एक कंट्रोल सिस्टम विकसित कर लिया। ठीक है, स्पेस एक्स ने क्या किया? इसने 18 दिसंबर 2021 को 52 स्टारलिंक उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में क्या किया? उनकी कक्षाओं में इनको रखा। किसने 52 उपग्रहों को इनकी कक्षाओं में रखा? ठीक है, इसमें 9 रॉकेट तटीय बेंटन स्पूप से लॉन्च किए गए। ठीक है, NHPC ये क्या है? नेशनल हाईवे प्रोटोकॉल लिमिटेड। ठीक है, एक NHPC हाईवे है, हाईवे का समूह है। ठीक है, लिमिटेड ने 9 राज्यों और नेपाल, 9 राज्यों नेपाल में, अरे जी NHPC क्या है? NHPC बिजली विभाग है, सॉरी। इसमें 27,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा ये, और 9 राज्य और नेपाल को जल किसके तहत? जल विद्युत परियोजना, सौर परियोजना, सौर परियोजना के तहत यह 27,000 मेगावाट ऊर्जा को क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, इससे किस किस कितने राज्यों को लाभ मिलेगा? 9 राज्य, ये कौन कौन से? UP, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया। 3 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय, कितना? 3 दिन के लिए नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया गया। मधुमक्खी दिवस मनाया गया 3 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया गया। ठीक है, उड़ीसा के CM द्वारा, किसके? उड़ीसा के CM किसके द्वारा? नवीन पटनायक के द्वारा।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 दिसंबर को कटक जिले में, कटक जिले के किसमें, गोपीनाथ, गोपीनाथपुर में, कटक जिले के गोपीनाथपुर में इन्होंने क्या किया, महानदी पर सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया, सबसे लंबा। पुल इन्होंने 20 नंबर में सबसे लंबा पुल किस पे, महानदी पर है। कितना लंबा है, इसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह टी आकार में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।